ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहते हो? हमारे इधर हाफिज साहब हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे, ईद मुबारक देंगे लोगों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ठीक, इधर देखना वो है उधर। बड़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके रिज़्क में और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज आपके दिलों में भी बहुत ही खुशी की अपने रिश्तेदारों के और अपने करीब और दूर के रिश्तेदारों के हम जाएं और खुशियां मनाएं और उनसे मुसाफा करें, उनसे बात करें, उनसे खुशी की एक दो बात करें। बहर सूरत मैं अपनी तरफ से और इन तमाम साथियों की तरफ से और अपनी इस आवाम की तरफ से और खास तौर पर अपने इलाके की तरफ से मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की उम्र में बरकत अता फरमाए और हमें इसी तरह चैन और सुकून राहत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम के मुताबिक खास तौर पर ये सब हम नौजवान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नौजवानों में बरकत दे खास तौर पर। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमें अपने दीन की फहम, अपने दीन की समझ, अपने दीन का इल्म हमें आता फरमाए। और आखिर में फिर एक मरतबा दरख्वास्त करते हैं अपने साथियों की तरफ से, ये नासिर भाई हैं, मुबस्सर भाई हैं और मुशर्रफ भाई हैं, मुजफ्फर भाई, आकिब भाई, माशाल्लाह आदिल भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाज भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, जजाकल्लाह शुक्रन व अहसन अल जजा, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।